जय हिंद साथियों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में तो दोस्तों तो हर रोज की तरह आज भी हम यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी की कंप्लीट एंसर वीडियो आप सभी के बीच लाए हैं जो कि कल के लिए होने वाली है कल ट्यूसडे है और ट्यूसडे को निफ्टी फिफ्टी में क्या लेवल्स हो सकते हैं ये आज ही हम आप सभी को बताने वाले हैं मंडे यानी आज क्या होने वाला था ये भी मैंने कल ही बता दिया था आज मैंने आप सभी को लाइव मार्केट में भी बताया था कि मार्केट आज निफ्टी फिफ्टी जो क्लोजिंग देने वाली है वो क्लोजिंग करने वाली है सेवेंटीन सिक्स हंड्रेड थर्टी फाइव के नीचे मतलब इस लेवल के नीचे यहां पे मैंने लाइन भी मार्क करी हुई थी तो चूंकि यहाँ पे टाइम नहीं बचा हुआ था अदरवाइज ये टारगेट मुझे पुनः एक बार फिर से देखने को मिलता है कि सत्रह हजार छह सौ पैंतालीस मतलब इस लेवल के अगर नीचे रहती है तो सत्रह हजार पांच सौ नब्बे तक का टारगेट मुझे देखने को मिल सकता है अब क्या ये गैप डाउन कराएगी तो इस लेवल को टच करेगी या फिर गैप अप कराएगी तो इस लेवल पे आएगी या फिर इस लेवल के भी नीचे जाएगी क्या कह सकते हैं बुल और बियर चूंकि मार्केट बुलिस भी हो रही है लगातार मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रही है यहां से नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी ले रही है तो यहां पे बुल भी हाबी है और बियर भी हाबी है तो मार्केट किस साइड में जा सकती है कंप्लीट जानकारी देंगे बस वीडियो में बने पर्टिकुलर लेवल के साथ में आप सभी को यहाँ पे बताने वाले हैं एंट्री लेवल स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होने वाला है अपसाइड एंड डाउन साइड के दोनों साइड की तरफ मूवमेंट लेके चलेंगे क्योंकि हम दोस्तों हैं ऑप्शन बायर और ऑप्शन बायर के लिए बड़ी चुनौती होती है मार्केट में प्रीमियम को बचा के रखना तो प्रीमियम डिके भी होता रहता है तो इसलिए जिस साइड भी जाएगी मार्केट को हम जाने देंगे मार्केट को चलने देंगे आगे आगे हम चलेंगे उसके पीछे पीछे डेफिनेटली प्रॉफिट पॉसिबल है यार तो बसरते पेशेंस भी जरूरी है है ना तो यहाँ के आज के लेवल्स में यहाँ पे रिमूव करता हूँ फिलहाल और मैंने कल बताया था शायद आप लोग को याद होगा कि मंडे को निफ्टी फिफ्टी ओपनिंग कहीं भी कराया बट क्लोजिंग जो कराएगी वो नीचे ही कराएगी मतलब बियर 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 के संकेत थे कुल मिला के क्योंकि ऊपर से हम लाइन यहाँ पे प्लाट करते हैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं आप सभी को समझने में भी आसानी होगी आप सभी को लेवल समझाने में भी थोड़ा सा आसान लगेगा ठीक है तो नीचे से अगर हम देखते हैं तो ऊपर की साइड में मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूं यहां पे डे के टाइम फ्रेम पे एक सेकेंड हम यहाँ पे नजर बनाते हैं कैसे क्या होने वाला है ये देखिए सत्रह डे के टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पे एक ट्रेन लाइन दिख रही है और ट्रेन लाइन ये कुल मिला ब्रेक हो चुकी है ऊपर ब्रेकआउट हो चुकी है ऊपर की तरफ बट ये बियर कैंडल जो बनी है बियर कैंडल बनी है ये एक बड़ा संकेत दे रही है कि हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा इस लेवल तक भी आए इस लेवल पे आए सत्रह या सत्रह के आसपास में ठीक है सत्रह के आसपास तक भी आ सकती है ठीक है सत्रह हजार इस लेवल तक भी आ सकती है मतलब 100 200 300 पॉइंट गिरावट करने के बाद में फिर से मार्केट अगर जाएगी इस लेवल को ब्रेक करेगी तो ऊपर की तरफ बूम करेगी अच्छा खासा मतलब 18200 या फिर 18500 और 19000 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आ, मार्केट ब्रेक करती है 17700 या 800 के लेवल को ऊपर की तरफ तो लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आके क्योंकि कहते हैं कि जंगल में जब शेर आता है जब जानवर पीछे हटने लगते हैं जंगल के जानवर जब दो कदम पीछे हटते हैं तो समझ लो शेर आया है पुष्पा तो का एक डायलॉग है शायद आप सभी लोगों ने देखा होगा तो वही है कि मतलब अगर ये दो कदम पीछे लेती है मतलब अगर थोड़ा सा गिरावट देती है और सत्रह के आसपास का लेवल मुझे दिखाई देता है पिछले एक दो दिनों में तो ये फिर से उछाल मारेगी और ये उन्नीस हजार तक के लेवल आराम से दे, देखने को इसमें मिलेंगे निफ्टी फिफ्टी में ये तो हो जाती है पोजिशनल बात या फिर वीक या फिर पंद्रह दिन की बात ठीक है मेन पॉइंट मुद्दे की बात यह है कि कल क्या हो सकता है तो इसके लिए हम टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे और पंद्रह मिनट का टाइम फ्रेम हम यहाँ पे लगा लेंगे चार्ट को थोड़ा सा हम यहाँ पे सेट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से ताकि आप सभी को यहाँ पे थोड़ा सा समझ में भी आए लगातार मार्केट जो है एक ट्रेंड बना के आप साइड में जा रही है आप सभी लोगों ने अभी देखा भी ठीक है तो अब हम क्या करने वाले हैं अब हम थोड़ा सा फिब रिट्रेसमेंट टूल का यूज करने वाले हैं ठीक है तो यहां से हम प्लॉट करते हैं ये लेवल अब यहाँ पे दो लेवल निकल के आते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पे हम पुट कर लेते हैं हॉर्जेंटल हालांकि बैकेंड में भी हमने एनालिसिस की है जा करके और यहाँ पे इसी बेस पे आप सभी को लेवल में प्रोवाइड कराने का थोड़ा सा प्रयास करता हूं बहुत आसान से चीजें हैं बस जितना कॉम्प्लिकेटेड आप सभी लोग मार्केट को समझ रहे हैं मुझे नहीं लगता उतना कॉम्प्लिकेटेड है मार्केट बस अतः सिंपल सपोर्ट और बेसिस पे आप अगर ट्रेड करते हैं या फिर आप अपने माइंड को कंसल्ट्रेट करते हैं पेशेंस रखते हैं सबसे बड़ी चीज है कि ट्रेडिंग रूल्स को अगर आप अनफॉलो करते हैं तो लॉस पॉसिबल देखो दो कंडीशन है यहां पे तो एक फिब रिट्रेसमेंट का टूल के बेसिस पे ये लेवल्स हमने लगाए हैं आप सभी के सामने अभी वीडियो में और यहाँ पे देखिए कितने जादुई तरीके से ये लेवल ठीक उसी वहीं पे सेट हो रहे हैं जहां से एक स्ट्रांग बाइंग आई है देखो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा ऐसा नहीं है लेवल्स के साथ साथ यहाँ पे वीडियो में सीखने को भी मिलता है इसलिए मैं कहता हूं कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए है तो क्योंकि यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग सेशन भी होता है लाइव मार्केट में हम जुड़ते हैं बारह बजे के आसपास सभी से अदरवाइज टेलीग्राम चैनल है फ्री टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कर सकते हैं उसको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है मेरा कोई पेड प्रीमियम टेलीग्राम चैनल नहीं है मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे नाम से आप सभी से अगर कोई पैसे मांगता है तो उसे पैसे कितना ही मत दें क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स भी बने हुए हैं तो ये देखिए मैं कह रहा था कि फिम रिट्रेसमेंट का टूल लेने के साथ साथ यहाँ पे जहां वो लेवल्स वहीं पे सेट हुए हैं जहां से एक स्ट्रांग बाइंग आई है तो इन लेवल्स को हम क्या मान के चलेंगे स्ट्रांग सपोर्ट मान के चलेंगे और वो सपोर्ट लेवल यहां पे हम थोड़ा सा क्या कर लेंगे थोड़ा सा हम कर लेंगे मोडिफाई ठीक है अभी 509 का है तो हम 500 पे कर लेंगे ठीक है और ये चार का है तो हम चार कर लेंगे सिंपल सी चीज है थोड़ा सा हम अब ये देखिए मार्केट अगर नीचे आती है आज का जो डे लो है इस डे लो को ब्रेक करती है मतलब सत्रह हजार छ सौ सत्रह का लेवल भी यहाँ पे प्लॉट करना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सत्रह का लेवल अगर ये दिखाती है इसके नीचे आती है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे कौन सा लेवल का सत्रह हजार पांच सौ सत्तर के लेवल का सत्रह हजार पांच सौ सत्तर के लेवल के ब्रेक होने का वेट करेंगे या फिर तीस पॉइंट का अगर यहाँ पे आप रिस्क लेना चाहते हैं तो तीस पॉइंट ट्रेड कर सकते हैं अदरवाइज अगर सत्रह हजार पांच सौ सत्तर के नीचे आती है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी के नीचे आती है तो फिर ये पॉइंट का सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी का पहला टारगेट दिखा सकती है यहां से चूंकि बाइंग आई है तो हो सकता है यहां से भी बाइंग आए और उसके बाद अगर इसको ब्रेक कर देती है तो फिर सेवनटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी का ये इंट्रा डे लेवल्स हैं कल ये मार्केट में मूवमेंट आ सकता है ये आप समझ के रखिएगा यहाँ पे जो एक है दोस्तों आप आप खुद ही जानेंगे अगर कुछ दिन हमारे साथ चैनल पे बने रहेंगे तो तो ये ये दो ये, इंपॉर्टेंट लेवल आप सभी को नोट कर लेना चाहिए का इसके नीचे आती है तो सेवनटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी का ठीक है इसके नीचे नहीं उम्मीद है प्राइजेक्शन बेसिस पे जाने के लिए अगर जाती है तो फिर दो सौ ढाई सौ पॉइंट की गिरावट भी हो सकती है कोई बड़ी बात नहीं है अच्छा बुल अगर खींचता है तो बुल कब खींचेगा सेवनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के ऊपर रहता है तो बुल ऊपर की तरफ खींच सकता है बट इसके जो लेवल्स होने वाले हैं क्या हो सकते हैं सबसे पहले ये लेवल मिलेगा सेवनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी का अगर आप सिक्स हंड्रेड के आसपास में कॉल साइड की एंट्री लेते हैं तो बीस पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ चालीस पॉइंट का यहाँ पे आपको टारगेट मिल सकता है हम यहाँ पे लगाते हैं क्या हम यहाँ पे लगा लेते हैं हॉर्जेंटल लाइन कुछ इस प्रकार से ये छे सौ चालीस का लेवल है और ऊपर एक लेवल आज का जो हाई है वो हाई मिल सकता है आपको बट यहाँ पे हाई मिलने की हाँ हाई पे ही लगा देते सेवन हंड्रेड ही लगा देते हैं ठीक है क्योंकि कल भी मैंने बताया था सेवेंटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड से गिरावट आएगी और आपने देखा कि इसी पॉइंट से जो है मार्केट गिरावट ली है और अच्छी खासी गिरावट ली है क्योंकि इस पॉइंट को टच करेगी मैंने कल बताया था पी के साइड की एंट्री आपकी बनेगी टारगेट अच्छा खासा आपको मिला है सौ पॉइंट का टारगेट आराम से आपको देखने को मिला है ठीक है तो हालांकि ये मैंने बताया भी था कल के वीडियो में जिन लोगों ने देखा होगा प्रॉफिट जरूर बनाया होगा और बनाया भी है काफी सारे लोगों ने मैसेज भी किए हैं तो हम ये कह रहे थे कि अगर मार्केट जो है सेवनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के ऊपर रहती है तो आपको ये टारगेट 17,640 थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी के लेवल में आ, मार्केट घूमती हुई नजर आ सकती है या फिर ये लेवल में आप ट्रेड कर सकते हैं जब सेवनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी का लेवल ब्रेक होता है अपर साइड में तो हम सेवनटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं बुल हावी होगा तो सत्रह हजार सात सौ के बाद, बाद में फिर सीधा एक सौ पचास पॉइंट का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है यानी कि सेवनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी देन उसके बाद में फिर एटीन थाउजेंड और इसी प्रकार से नाइनटीन थाउजेंड की तरफ फिर रवानगी कट जाएगी निफ्टी फिफ्टी की बट कल के लिए सत्रह हजार सात सौ का लेवल इनफ है इसके ऊपर जाती है तो पचास पॉइंट कल ले सकते हैं अदरवाइज डेढ़ सौ पॉइंट के लिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए नहीं बैठेंगे फिर अगले अगले दिन देखा जाएगा क्या होता है इसके लिए मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा कोई दिक्कत होती है व्हाट्सअप नंबर से भी कनेक्ट हो सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और भी कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए यार कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है सजेशन भी दीजिए आपका भाई हूँ बंधु हूँ अगर कोई कुछ कमियां रह जाती हैं तो उसके लिए हमेशा क्षमा प्रार्थी हूँ आप हमारे फैमिली मेंबर्स हैं मैंने कभी आप सभी को सब्सक्राइबर्स नहीं बोला और ना ही मैं समझता हूँ क्योंकि मेरी भावनाएं आप सभी के साथ जुड़ी हैं और इसी तरह से जुड़े रहे हैं आप हमारे साथ बने रहें सपोर्ट करते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें जो करते हैं उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया जो नहीं करते हैं उनके लिए भी शुक्रिया यार क्योंकि मेरा तो फर्ज है मेरे तो संस्कार है सभी का सम्मान करना रिस्पेक्ट करना है बाकी आपकी मर्जी मिलते हैं कल लाइव सेशन में अभी बैंक निफ्टी की वीडियो डाल दी है आप सभी लोग देख लीजिएगा निफ्टी निप्टी की ये वीडियो रही फिर निप्टी की वीडियो आ गई है टेलीग्राम पर अपडेट भी कर दूंगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वन्य मातरम टेक बाय आई लव यू